जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम को लेकर ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा था जो कि था #cancelboardexams2021, जिससे हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है तेजी से, हमारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल किए जाए या फिर शिफ्ट किया जाए। तो इस पर सीबीएसई ने अपना फैसला सुनाया है कि क्या होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। तो इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने क्या कहा है आपके एग्जाम को लेकर, और यह भी बात करेंगे कि क्या आगे चलकर हमें ट्विटर पे इस तरह से ट्रेंड कराने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। इसके साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th and 10th and NTSC। दिस इज किशन जायसवाल। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको क्लासेस की कंटेंट के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर एकदम सही नॉलेज आपको मिलती है इस चैनल पर। तो यार देखो, पिछले दो दिनों से हम लोग देख रहे थे कि ट्विटर पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था #cancelboardexams2021, जो कि बिल्कुल सही डिमांड है बच्चों की और पेरेंट्स की। जिस तरह से कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, हम सब यही चाहते हैं कि आपकी एग्जाम्स पोस्टपोन हो या फिर कैंसिल हो जाए, जिससे आपको प्रमोट किया जाए आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स या फिर प्री असेसमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए, स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हर बच्चे, हर पेरेंट्स की यही चाह होती है कि मेरा बच्चा घर पे रहे, स्वस्थ रहे, बाहर न जाए। लेकिन क्या ये चीज पॉसिबल हो रहा है? तो इस पर सीबीएसई बोर्ड ने आज अपना फैसला सुनाया है। फैसला ये उन्होंने सुनाया है कि आपके एग्जाम कैंसिल तो नहीं होंगे, लेकिन पूरी प्रिकॉशन हम लोग रखेंगे आपके एग्जाम के लिए। उन्होंने ये बताया कि हम 40-50% अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको बढ़ाया है, जिससे बच्चों को, मतलब बच्चों की भीड़ कम लगे, एक जगह पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट ना हो, क्लासेस बड़ी बड़ी हो जिसमें बच्चे कम बैठे, बच्चों के बीच में दूरी हो, बच्चों और जो भी वहां पे पेरेंट्स आ रहे हैं सभी को मास्क लगाना कंपलसरी है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। इन सब सारी चीजों को सीबीएसई बोर्ड कह रहा है, लेकिन क्या इन सब सारी चीजों को लेकर हम सब आश्वस्त हो जाएं कि हमारे बच्चे कोविड से ग्रसित नहीं होंगे, उनको कोरोना वायरस जैसी बीमारी नहीं फैल सकती है? अब देखिए, हम यहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठा सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड और सरकार का जो फैसला होगा उसे हमें मानना होगा। तो आप लोग भी इस बात को समझिए कि सीबीएसई ने अब साफ साफ ये कह दिया है कि आपको आपके एग्जाम जो टाइम पर बताया गया है उसी टाइम पर होंगे, उसमें कोई शिफ्ट नहीं होने वाला है, कोई भी बच्चा प्रमोट नहीं होने वाला है, सबको एग्जाम देना है और कोविड की जो भी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करते हुए। बात करते हैं कि क्या अभी हमें फ्यूचर में भी कोई ट्विटर ट्रेंड चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। एक बात समझो, ये गवर्नमेंट पिछले 1.5 साल से यही काम कर रही है, जो वो चाहती है उसी तरीके से अपने काम को करती है। पिछले साल भी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नीट एग्जाम के लिए बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन कोविड की सिचुएशन लगभग यही थी, फिर भी आपके एग्जाम कराए गए थे। एक बात बच्चों के मन में ये भी है कि भैया एक दिन का एग्जाम नहीं है हमारा, हमारा एग्जाम 5 या 6 दिन का है, क्योंकि बीच बीच में कई सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, इसलिए हमारे एग्जाम टाले जाने चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए कि प्रमोट हो जाए। लेकिन ये सरकार अपने तरीके से काम करती है दोस्त, ये गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, तो आपको इस चीज को समझना होगा। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आप ये सोचकर अपनी पढ़ाई में थोड़ा बहुत ब्रेक ला रहे हैं कि आपके एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं या फिर पोस्टपोन हो सकते हैं, तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होने वाला है, किसी और को नहीं। इसलिए अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते रहिए। हम सब यही चाहते हैं कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो या फिर आप प्रमोट हो, लेकिन उसके उस चीज को लेकर आप दिमाग में डालकर ये चीज अपनी पढ़ाई मत रोक दीजिए, ठीक। तो बात करेंगे कि ट्विटर ट्रेंड का क्या हुआ। ट्विटर ट्रेंड का यही हुआ कि ट्विटर ट्रेंड चला और चलकर रुक गया है। अब उससे सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया। आगे हमें क्या करना चाहिए? आगे क्लास 10th और 12th के दोनों बच्चों को, सभी क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू की इधर उधर की न्यूज़ों पर मत ज्यादा ध्यान सोचिए। आपके एग्जाम अगर कैंसिल होने होंगे तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कोई नोटिस आएगी, अदर देन दिस आपके एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने साफ कर दिया है कि आपके एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, हम पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड अभी भी कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं कि कहा गया है कि आपके एग्जाम कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि जब
2020 में केसेस बहुत कम थे तो आपके एग्जाम कैंसिल किए गए थे, लेकिन आज फिर से लाख लाख केसेस आ रहे हैं, फिर से एग्जाम कराए जा रहे हैं, इस पर फिर से पिटीशन दायर की गई है, लेकिन उस सब का वेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट में जो जी चीजें दायर की गई उस पर फैसला आने का वेट करेंगे। उसके पहले सीबीएसई बोर्ड ने अपना फैसला सुनाया है, तो उस चीज को मानते हुए आप फिर से अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट करिए और भी कुछ मत सोचिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको आगे क्या करना है, क्या आपको फिर से रुक जाना है या फिर से पढ़ना है। मेरी यही गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, वो अपने तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको क्लास 10th की पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स, पांचों सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ आपको एनटीएससी जैसे बड़े एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये सारी चीजें आप चैनल की हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।